दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिल्लू दुबई में। ये कॉमेडी कॉमिक्स है बिल्लू की, और ये नई कॉमिक्स है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। तो पढ़ते हैं इसको। बिल्लू दुबई में। बिल्लू, गब्बू और जोधी छुट्टियां बिताने दुबई गए हैं। दुबई वाकई शानदार है। ये ऊंची इमारतें लगता है जैसे आसमान छू रही है। समुद्र का किनारा कितना सुहावना है। ये छुट्टियां यादगार रहेंगी। हमें महल में शेख निजाम से भी मिलना है। अच्छा चलो, निजाम शेख के महल के आगे। महल बहुत सुंदर है, पर गार्ड हमें आगे नहीं जाने देंगे। हमारे पास निजाम शेख का आमंत्रण पत्र है, जिसे दिखाकर हम अंदर जा सकते हैं। बिल्लू, तुम और तुम्हारे दोस्त आ गए। तुम सब हमारे मेहमान हो। खुश आमदेद। धन्यवाद शेख निजाम, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है? हमको एक गुमनाम चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा है कोई हमें जान से मार देगा, क्योंकि हमारे पास खजाना है। शेख निजाम, आज हम डेजर्ट सफारी देखने जाएंगे। आप महल में यह खबर फैला दीजिए। ठीक है बिल्लू। वाह श्रॉट, गाड़ी तेज चलाओ, भागो, धोए धोए। तो इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। वह क्या बिल्लू? सब पता चल जाएगा जोजी, कल हम शेख निजाम के दुश्मन को पकड़ लेंगे। शेख निजाम, कल हम आपका गुप्त खजाना देखने जाएंगे, यह खबर भी सबको बता दीजिए। अच्छा बिल्लू। दूसरे दिन, धोए धोए, अब ये लो और ये भी, दौड़ भूम। हिलने की कोशिश भी मत करना, अपने चेहरे से नकाब हटाओ। यह तो मेरी सबसे छोटी बीवी सायरा है। जब हम पर डेजर्ट सफारी में गोलियां चली, तभी मुझे यकीन हो गया था कि दुश्मन आपका कोई करीबी है, जो आपके दोस्तों को भी मारना चाहता है। इसीलिए ही मैंने खजाना देखने की बात पूरे महल में फैलाने को कही थी, ताकि वह हमें मारने आए और पकड़ा जाए। तुम बहुत होशियार हो, यह सोना तुम सबका इनाम है। वाह बिल्लू, दुबई घूमने पर धन मिल गया। हा। बिल्लू बजरंगी की सेव, रात में नींद बड़ी अच्छी आई। अरे ढक्कन, ये बिल्लू सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहा है? उस्ताद, बिल्लू समारोह में जा रहा है, जहां बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। उस्ताद, आप भी तो पहलवान रुस्त में हिंद हो, आप क्यों नहीं जाते समारोह में? तुमने ठीक कहा, मैं भी समारोह में जाऊंगा। मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, पहले मैं सेव करवाऊं। ठीक है उस्ताद, कल नहीं, मेरी सेव इतनी अच्छी बनाओ कि पूरे समारोह में बस मैं ही नजर आऊं। अभी लो उस्ताद। उस्ताद, आपका चेहरा चमक जाएगा, यही तो कल्लू नाई का कमाल है। तभी आ आछी, ओए बचाओ, है मेरी आधी मूछ कहाँ गई? तुमने मेरी आधी मूछ काट दी। ठहरो तो सही, बचाओ। हा। बिल्लू और चिड़ियाघर। बजरंगी उस्ताद, गोरिल्ला तो आपसे ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। बिल्लू, मैं पहलवान रुस्त में हिंदू, और वह गोरिल्ला है, जो मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। बजरंगी पहलवान, आपकी बात पर यकीन नहीं आता। मैं गोरिल्ला के सामने जाऊंगा, वह मुझे सलाम करेगा, तब तो मानोगे? ठीक है बजरंगी पहलवान। गोरिल्ला, तुमसे रुस्त में हिंद बजरंगी पहलवान मिलने आए हैं, सलाम नहीं करोगे? हा। गोरिल्ला की आंखें कमजोर है, वह सलाम करेगा। अरे कर ले भाई सलाम, मेरी इज्जत का सवाल है। आप सब लोग यहां से जाए, अब गोरिल्ला के खाना खाने का वक्त है। बजरंगी पहलवान कहेंगे, बचाओ कर्मचारी जल्दी में, गोरिल्ला के पिंजरे में मुझे भी बंद कर गए। बिल्लू पेड़ की कटाई। बचेंगे पहलवान, हमें लकड़ी चाहिए जिसके लिए पेड़ काटना होगा। इसीलिए तो मैं अपने साथी आरा लाया हूं,
हम दोनों मिलकर पेड़ को काट लेंगे। ठीक है बजरंगी पहलवान। बिल्लू तुम वहां से आर्य का दूसरा सिरा पकड़ लो, पेड़ पल भर में कट जाएगा। मैं यहां हूं, आप वहां से आरा चलाओ। अभी लो बिल्लू, 1 2 3 97 98 100। उफ उफ थक गया, आरा बहुत मुश्किल से चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पेड़ के उस ओर जाकर देखना चाहिए। खर खराटा। ओ बिल्लू सो रहा है। बिल्लू का मछली पकड़ना। बिल्लू, गब्दू, जोजी और बजरंगी नदी किनारे मछली पकड़ने बैठे हैं। बिल्लू, आज हमें सबसे ज्यादा मछलियां पकड़नी है जिससे हम अव्वल रहे। उस्ताद, आज बिल्लू से ज्यादा मछली पकड़कर दिखा दो कि आप उससे ज्यादा होशियार हो। ठीक कहते हो डक्कन, समझ लो नदी की सारी मछली आज मेरी हुई। जोजी, लगता मछली फंसी है। सच बिल्लू? ओह यह तो पुराना पर्स है। हा। अरे बिल्लू, मछली पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लगता मेरे कांटे में मछली फंसी है। ओह यह तो पुराना जूता है। हा। उस्ताद, बिल्लू और आपके दोस्त बिल्लू और उसके दोस्त आप पर हंस रहे हैं। चिंता मत करो डक्कन, हम उस चट्टान पर मछलियां पकड़ने जाएंगे। वाह उस्ताद, वह चट्टान तो नदी के बीच है, वहां पानी गहरा होने से मछलियां भी ज्यादा होंगी। इससे पहले कि बिल्लू वहां पहुंचे, हम मछली पकड़ने के सामान के साथ वहां पहुंच जाते हैं। याहू, बिल्लू अब सारी मछलियां मेरी होंगी। बिल्लू, बजरंगी पहलवान मछलियां पकड़ने उस ओर गए हैं, उन्हें जाने दो। गब्दू, चट्टान सचमुच काफी बड़ी है। डक्कन, चट्टान तो चल रही है। उस्ताद, यह चट्टान नहीं, बड़ा मगरमच्छ है। बाप रे, भागो। हा। बिल्लू और दांतों का डॉक्टर। बिल्लू, लो आइसक्रीम खाओ। नहीं जोजी, मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों? मेरे दांत में दर्द है। फिर हमें डॉक्टर डेंटा के यहां जाना चाहिए, वह तुम्हारे दांत ठीक करेंगे। अरे बिल्लू और जोजी, लो चने खाओ। नहीं बिल्लू के दांत में दर्द है, हम डॉक्टर डेंटा के यहाँ जा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं अभी तुम दोनों के साथ आ जाता हूँ। डॉक्टर, मेरे दांत में बहुत दर्द है। क्या हुआ बिल्लू? मैंने दवाई लगाई है, कुछ आराम मिला? नहीं डॉक्टर, मैं लोशन तुम्हारे दांत पर लगाता हूँ जिससे 5 मिनट में ही दर्द गायब हो जाएगा। मेरे दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर, लगता है दांत ज्यादा खराब है, मैं भी देखता हूं। बिल्लू, तुम्हारा दांत खराब हो चुका, उसे निकालना पड़ेगा। डॉक्टर, इसमें कितना वक्त लगेगा? जोजी, मेरे इन उपकरणों से बिल्लू का दांत 5 मिनट में बाहर आ जाएगा। जी, ठक ठक ठक। ताजुब है, छेनी थोड़ी से भी, इससे भी दांत बाहर नहीं आया। मेरे पास दांत खींचने का प्लास भी है। जोजी, गब्दू, तुम मुझे खींचना और मैं बिल्लू के दांत को खींचूंगा। जोर लगाकर हंसा, दांत निकल आया। बिल्लू, अब तो दांत का दर्द सही है। नहीं, आपने दूसरा दांत निकाल दिया। बिल्लू और चिड़िया, खाओ खाओ। उस्ताद, बिल्लू अपने हाथों पर चिड़िया का बिठाकर उसे दाना खिला रहा है। एक दो चिड़ियों को हाथ पर बैठा कर दाना खिलाने से कोई ताकतवर नहीं होता। उस्ताद, आप चिड़ियों को दाना क्यों नहीं खिलाते? तुमने सही कहा, मैं अपने खेत पर जाकर चिड़ियों को दाना खिलाऊंगा। जब मेरे हाथ से बहुत सी चिड़िया दाना खा रही हो, तब तुम मेरी फोटो लेना, हम बिल्लू को दिखाएंगे। उस्ताद, आइडिया शानदार है। मैं अपना सफेद कुर्ता और धोती पहनाता हूँ, उसमें फोटो अच्छी आएगी। मैंने अपने हाथों में चिड़ियों के लिए दाना ले लिया है। उस्ताद, इधर कैमरा भी तैयार है। मैं चिड़ियों को बुलाता हूँ, जब कुछ चिड़िया मेरे हाथ पर बैठ जाए तो
तो तुम फोटो ले लेना। ठीक है उस्ताद, आओ आओ, लगता है वो आ रही है। अरे बाप रे, इतनी सारी चिड़िया, मुझे चिड़ियों से बचाओ। हट हट, फुर फुर, हे भगवान, चिड़ियों के कारण मेरे सारे कपड़े फट गए। बिल्लू और सुई, शॉट, सर सर, ओह मेरी शर्ट फट गई। गब्दू, मैं 5 मिनट में अपनी शर्ट में टाका लगाकर आता हूं। ठीक है बिल्लू, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कपड़े में टाका लगाने वाले सुई कहाँ रखी होगी? सुई अलमारी में नहीं है, सुई दरवाजों में भी नहीं है, सुई टेबल पर होगी, सुई यहां नहीं है। इसका मतलब सुई जमीन पर कहीं गिरी है, पर जमीन से सुई ढूंढना बहुत मुश्किल है। आइडिया, मैं चुंबक को सारी जमीन पर फेरता हूं, सुई जहां भी होगी इससे चिपक आएगी। ओ, सुई नहीं मिल रही है, सुई कहाँ गई होगी? थक गया, थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाऊं। ओए, ओ सुई तो सोफे पर रखी थी जो मुझे चुभ गई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पसंदीदा कोई भी कॉमिक्स का नाम डाल सकते हैं, मैं उसे 1 या 2 दिन के अंदर डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि चैनल को और अच्छा बनाया जा सके। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।